नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। और एक नई खबर के साथ मैं आई हूं आपके बीच। बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन का परिवार इन दिनों कोविड 19 की चपेट में है। हाल ही में बिग बी की सहित उनके बेटे अभिषेक बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और पोती आराध्या की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान सभी इस महामारी से जंग लड़ रहे हैं। इन दिनों वह मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। वहीं बिग बी के लगातार अस्पताल से सोशल मीडिया के जरिए अपनी सेहत की जानकारी फैंस को शेयर कर रहे हैं। वहीं कोरोना की जंग के बीच अमिताभ बच्चन के साथ हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि उनकी आंखों से आंसू बह निकले। आइए जानते हैं पूरा मामला। अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपने जीवन के खास और खुशी के पल को फैंस के साथ शेयर किया। ये बात उनके पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन से जुड़ी है। इस बात को शेयर करते वक्त वे काफी इमोशनल हो गए। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो के साथ एक इमोशनल पोस्ट लिखकर अपने फैंस से खुशी के पल शेयर किए। दरअसल हाल ही में पोलैंड की सिटी व्रोकला को साहित्य के यूनेस्को शहर से सम्मानित किया गया था। इस कार्यक्रम में पोलैंड यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अमिताभ बच्चन के पिता लेखक हरिवंश राय बच्चन की चर्चित कविता मधुशाला का पाठ किया। इस दौरान का वीडियो देख बिग बी भावुक हो गए। उन्होंने इस वीडियो को अपने फैंस के साथ शेयर कर खुशी बांटी। अमिताभ बच्चन ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, मेरे आंसू निकल आए। पोलैंड के शहर व्रोकला को साहित्य के यूनेस्को शहर से सम्मानित किया गया था। आज उन्होंने विश्वविद्यालय भवन की छत पर विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा बाबूजी की मधुशाला का पाठ किया। वे संदेश पास करते हैं, व्रोकला डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का शहर है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज़ और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।